हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या खास है, आइए आपको बताता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आज हम एसक्यूएल व्यू के अंतर्गत ASCII कोड पता करना सीखेंगे, यानी कि क्या ASCII कोड उसके लिए लिखा गया है ये हम पता करेंगे। और कैसे पता करेंगे आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां से ब्लैंक डेटाबेस चूज करता हूं, यहां क्रिएट पे चला जाता हूं और यहां से आपको क्या करना है, यहां से इस टेबल को क्लोज कर देना है। तो ये टेबल क्लोज कर दिया। अब टेबल को क्लोज करने के बाद यहां से क्रिएट पे जाएंगे, फिर यहां से डिजाइन व्यू पे आएंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहां से आएंगे एसक्यूएल पर। ये एसक्यूएल पर आ गए, यहां पर सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करना है। तो यहां लिख दीजिएगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर देना है कैरेक्टर, यानी CHR केवल आपको लिखना है। और फिर यहां पर अब मैं लिखने वाला हूं एक नंबर जो है 65। तो यहां लिख दिया है 65, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 65 लिखने के बाद यहां पे मैं दे देता हूं एज नंबर। क्या लिखेंगे, एज नंबर। इसी तरीके से आपको लिखना है और फिर लिखना है कोड टू कैरेक्टर, यानी इसका ASCII कोड क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। और कैरेक्टर लिख करके इसको टर्मिनेट करेंगे। जैसे ही टर्मिनेट करेंगे और यहां से रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर ए आ रहा है, यानी 65 का जो ASCII कोड है वो ए होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसको फिर से वापस से SQL व्यू पर लेता हूं और यहां पर मैं कर देता हूं 66। ठीक है, यानी 66 का हमें जानना है। तो जाहिर सी बात है बी होता है और यहां पर बी आ भी रहा है। चलिए यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहां पर हम कर देते हैं 64। तो 64 का क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये लिखा 64 और यहां से किया इसको टर्मिनेट। तो यहां पर देख सकते हैं 64 के लिए @ सिंबल आता है। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। अगर हम 92 लिखते हैं तो क्या होगा, चलिए आइए वो भी दिखा देता हूं। यहां से गए और यहां से मैंने लिख दिया 92। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 92 और अब इस कोड को करवा देंगे रन। तो देखेंगे कि यहां पर जो स्लैश का सिंबल आता है वो आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ASCII कोड SQL की मदद से भी पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। यहां अगर मैं 98 लिख देता हूं तो देखिए क्या कोड आता है। तो यहां पर देख सकते हैं स्मॉल बी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।